और अब आपको यूपी के मेरठ से आ रही एक खबर दिखाते हैं। मेरठ में जेई की बेटी का अपहरण, 6 साल की बच्ची की लाइफ किडनैपिंग, कैद हो गई है कैमरे में। पूर्व ड्राइवर पर किडनैपिंग का आरोप है। पुलिस ने किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ताओं तक पहुंची है पुलिस। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके की ये घटना है। हम देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरठ में ये जो घटना हुई है इसकी तस्वीरें हैं। किडनैपिंग की लाइव तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। ये बच्ची देखिए जा रही है और फिर उसके बाद पूर्व ड्राइवर पर किडनैपिंग का आरोप है। ये पूर्व ड्राइवर है जो बच्ची को अपने साथ लेकर कार में लेकर जा रहा है। किडनैपर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से अपहरणकर्ताओं तक जो पुलिस है, मेरठ पुलिस है, वो पहुंची है। शास्त्री नगर इलाके की घटना बताई जा रही है। और आपको बता दें कि कल दोपहर मेरठ के शास्त्री नगर में बदमाशों ने जल निगम के जेई की बेटी का घर के बाहर से अपहरण कर 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। सूचना मिलने पर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने जिले को सील कर दिया और बदमाशों की घेरेबंदी शुरू कर दी। घेरेबंदी देखकर बदमाश मात्र 2 घंटे के अंदर ही बच्ची को घर के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बीती रात 3 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गोली लगने से 2 किडनैपर्स घायल भी हुए हैं। और आइए आपको सुनवाते हैं कि किडनैप हुई बच्ची की माँ का क्या कुछ कहना है। स्कूल से आई, ऑटो वालों ने उन्हें छोड़ा, ऑटो वाले वहीं खड़े रहे। एक लड़का आया और उसने मतलब बच्ची का हाथ पकड़ा और लेके अंदर आ गया। अंदर आने के बाद वो जीने तक ऊपर आया। उसके बाद में वो ऑटो वाले वहीं खड़े रहे, जीने तक आने के लिए 2 मिनट लगे। वापस वो जैसे गया वही लड़का उसका हाथ पकड़ के वापस ले गया और गाड़ी में उसे बिठाया। कितने साल की बच्ची है? बच्ची 7 साल की। तो मेरठ से ये अपहरण का सनसनीखेज मामला और इस पूरे मामले पर मेरठ के एसपी सिटी का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। इनका नाम राजू और आकाश है तथा कॉम्बिंग के बाद इसमें और एक और बदमाश जिसका नाम अजय गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो अभी शुरुआती पूछताछ है उसमें पता चला है कि जो ये आकाश था इसको ये 6 महीने पहले 50,000 रुपये की चोरी के आरोप में इसे ड्राइविंग से हटा दिया गया था। आकाश और राजू दोनों ही दोस्त हैं। इन लोगों ने अपनी इस घटना से छुप धोकर जिसकी वजह से इनको हटाया गया था ये पूरी घटना रची थी, प्लानिंग की थी।